गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता के बारे में बताऊंगी। आज चूंकि आप नवोदय के एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको 50 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा और ये कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक पेपर को सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें ये ध्यान रखना होता है कि टाइमिंग का 50 क्वेश्चन ये जो होते हैं ना, 50 नंबर, ये आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। तो हम इसको कैसे जल्दी से जल्दी फटाफट हम इसको सॉल्व करें, इसके हम टेक्निक इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम एक पेपर सॉल्व करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेंटल एबिलिटी जिसे बोला जाता है मानसिक योग्यता, तो यहाँ पर एक पेपर है ना, ये 2013 का पेपर है। इसका हम पूरा सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसमें पेपर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न में, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, प्रत्येक प्रश्न में 3 समस्या आकृतियाँ दी हुई है। चौथी के लिए रिक्त स्थान रखा गया है। यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3 कितनी है यहाँ पर, 1, 2, 3। लेकिन 4 वाला जो आपका ब्लॉक है वह कैसा है, ब्लैंक है, खाली है ना। ढूंढिए कि दी गई उत्तरी आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरा करेगी। सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में आपको इसमें लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को तो पता होगा कि हमको काले ब्लैक गोले करने होते हैं। जब हमको OMR शीट मिलती है तो उसमें हमको कैसे करने पड़ते, जो आंसर होता है ना, जैसे यहाँ A, B, C, D ये 3 4 दिए हुए हैं ना, इनमें से जो सही होगा उसको हमको ब्लैक करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आपको मिलेगी, ये पेपर आएगा, इसका फॉर्म आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की OMR शीट होती है। और नहीं भी आएगा तो मैं आपको इसमें बता दूंगी, जब मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी ना, तो उसमें आपको बता दूंगी OMR शीट कैसी होती है, उसको कैसे फिलअप करना है। पहले हम क्वेश्चंस को समझना सीख लेते हैं। पहले जब हमें क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर आएंगे, तभी तो हम फिलअप कर पाएंगे किसी चीज़ को। तो यहाँ पर हम समस्या आकृति को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 है, लेकिन चौथा खाली है। अब यहाँ पर उत्तर आकृतियाँ दी हुई हैं। उत्तर आकृति में देखिए A, B, C और D। अब इनमें से कोई एक ही सही है, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी सही है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, हमें मेंटल एबिलिटी मतलब सिर्फ अपने ब्रेन का यूज करना है, हमारे दिमाग से सोचना है, समझना है और उसका सॉल्यूशन देना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे ये चीज़ इजी बन जाती है ना। सभी बच्चों का ब्रेन तो बहुत शार्प रहता है, लेकिन उन बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चित्र दे दिया है, क्या करना है ना। तो हम इसको बहुत सरल तरीके से आज समझेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले इन मार्क्स को, पहले तो कोई भी चित्र होता है ना, हम जब छोटे छोटे थे तो आप लोगों ने कई अंतर ढूंढो भी किया होगा, जैसे चिड़ियाँ दे देंगी उसकी चोंच नहीं है या आंखें नहीं है, है ना, और दूसरा चित्र दे देंगे उसमें है, तो अंतर ढूंढना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो सेम बस हमको इसमें भी वही करना है कि क्या डिफरेंस है चित्रों में, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पर एक एक्स का चित्र है, यहाँ एक गोला सा बिंदु बना हुआ है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे एक अल्फा जैसा निशान बना हुआ है, और ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसको हमने ये बराबर प्लेन से कटा हुआ है, हमने इसको बहुत अच्छे ध्यान से देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में, या नेक्स्ट हम इस ब्लॉक के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर सेम टू सेम है, सिंपल हम देखेंगे तो हमको सेम टू सेम नज़र आ रहा है, लेकिन यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ अंतर है। कैसा अंतर है वो अभी देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा था इसको देखिए, हम सबसे सरल प्लस को ले लेंगे, तो प्लस तो यहाँ नीचे है और यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर है। अब यदि इस वाले अल्फा की स्टडी देखेंगे तो इसकी पोजीशन यहाँ ऊपर पहुँच गई है, इस वाले को देखेंगे तो ये यहाँ आ गया है, और ये जो बिंदु है काला बिंदु ये कहाँ पर पहुँच चुका है, यहाँ पर। अब इसी चित्र को अगर हम अगले उसमें देखें तो फिर डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा, देखिए ये जो बिंदु हमने देखा था जो यहाँ पर था वो कहाँ पहुँच गया, नीचे, प्लस इधर आ गया, अल्फा इधर और ये एक्स जो है वो यहाँ पर आ गया। तो अब हम अपना दिमाग यूज कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेज पर जो हमारा आकृति बनेगी वह किस तरह से बनेगी, क्या इनकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा, तो बिल्कुल आएगा। यानी कि अब ये बिंदु कहाँ पहुँच जाएगा, इस प्लस की जगह पर। तो आप देखिए
हमको पहले तो एक किसी एक साइन को मार्क कर लेना चाहिए, हम बिंदु को मार्क कर लें चाहे प्लस को मार्क कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि लास्ट में ये देखिए बिंदु से हमको जरूर जल्दी समझ में आ जाएगा, तो ये बिंदु यहाँ नीचे पहुंचा था ना, इसमें अब ये बिंदु कहाँ पहुंच जाएगा, प्लस की जगह पर। तो आप इन चित्रों में देख सकते हैं, इन सभी चित्रों में, कि कौन सी स्थिति पे ये बिंदु जो है वो प्लस के स्थान पर पहुंच रहा है। तो हम देखें तो यहाँ पर तो ये ए में हो रहा है ऐसा, कि बिंदु कहाँ पहुंच रहा है, प्लस के स्थान पे। और प्लस प्लस कहाँ पहुंचना चाहिए, अल्फा के स्थान पे। तो इस तरह से हम पूरा एक साइकिल बना के देख लेंगे कि किस में ये वाला पैटर्न फिलअप हो रहा है। जिसमें ये पैटर्न फिलअप होगा उसको हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हमने बिंदु यहाँ पहुंच गया, अब प्लस को हमें ऊपर पहुंचाना है। अब प्लस चूंकि ऊपर पहुंच चुका है तो अल्फा, अल्फा की पोजीशन यहाँ आ जाएगी। तो देखिए इसमें अल्फा की पोजीशन यहाँ आ गई, और इसके बाद में यदि लास्ट में एक्स की पोजीशन देखी तो वो नीचे हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न बन रहा है पूरा, जो घूम रहे हैं प्लस अल्फा बिंदु, तो ये घूमते घूमते, ये देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, ये बिंदु कहाँ आया है, फर्स्ट बिंदु यहाँ, यहां से नीचे, तो अब कहां जाएगा, यहां पर प्लस, प्लस को देखेंगे तो नेक्स्ट में यहां आएगा, फिर यहां, तो अब कहां पहुंचेगा, ऊपर, है ना। और इसी तरह इन सब का सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी एक समस्या को हमने हल कर लिया है। इसी तरह से यदि हम दूसरी समस्या आकृति के ऊपर जाते हैं, तो ये तो बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी आते हैं, वो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जब इसको एक बार इसकी ट्रिक समझ जाएंगे, एक बार इस चीज को समझ जाएंगे, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये तो क्या है, आपका प्राइमरी लेवल है, बहुत छोटी क्लास में, आप अभी अभी आपने फिफ्थ पास किए और उसके बाद में आप सिक्स क्लास में जाएंगे, इतना ही है। तो आपको क्या है, बहुत सरल। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करेंगे, तो इन्हीं का जो रूप होता है ना वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। थोड़े से थोड़ी बड़ी क्लास होगी तो थोड़े से कठिन क्वेश्चन आएंगे, फिर हम और हायर लेवल पे जाएंगे तो, और अब यदि हम यूपीएससी देंगे तो बहुत ज़्यादा टफ आएंगे, है ना। तो ये यही, लेकिन रहेगा यही पैटर्न, पैटर्न में कोई चेंज नहीं। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम है बच्चों का, वो अभी का है। यदि आप अभी इस पैटर्न एबिलिटी को अच्छे से समझ गए, तो आपके ब्रेन का जो है स्तर हाई लेवल का हो जाएगा, आपका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलने लगेगा, है ना। तो अपन इसको देखते हैं। अब यहां पर देखें तो यहां पर दो एरो हैं। अब एरो की पोजीशन को आप देखिए, कैसी है एरो की पोजीशन, यहाँ ऊपर की तरफ है। लेकिन यदि हम इस बॉक्स में देखें तो ये एरो कैसे जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, है ना। अब यदि हम सेकंड वाले में आते हैं तो एरो ने अपनी पोजीशन बदल ली है, बदल ली ना। देखो ये यहाँ पर थे, किस इस कोने पर थे, ये यहाँ पर इस कोने पे थे यहाँ पर। लेकिन यहां पर अगर हम नेक्स्ट वाले में इसको देखते हैं तो ये कहां पर आ जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, ये यहां वाली पोजीशन पर आ गए। अब फिर अगले वाले में देखो, अगले वाले में ये कहां चले गए, ऊपर की पोजीशन पे चले गए, दोनों दोनों जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट वाले में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आएगा कि जो दोनों नीचे आ जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, सही हो जाएगा। सी वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर आके देखो ये दोनों एरो कैसे हो रहे हैं, इस ब्लॉक में नीचे की ओर हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर ऐसे के ऐसे ये दो एरो बना दो, आप बना दिए एरो, ये नीचे की ओर आ गए, हो गया ना सॉल्व। क्वेश्चन कितना आसान था, अब ये वाला ये तो और भी ज्यादा आसान है। बस इसमें यहाँ ध्यान रखना है, एक गोला है, गोले के अंदर एक एरो है। फिर हम जाए नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर भी क्या है, एक गोला है, इसके अंदर भी एरो है और इसमें भी, लेकिन एरो की पोजीशंस चेंज हो रही है। यहाँ पर ये ऐसे लंबा है, यहाँ ट्रांसफर है। अब ट्रांसफर में भी कैसा है, इसकी पोजीशन किधर है, इसकी पोजीशन आकर यहाँ पर आ गई, इस पॉइंट पे आ गई है। अब ये जो एरो है देखिए, यहाँ पे पूरा सीधा था, लेकिन यहाँ पे इसमें ये पूरा उल्टा है, अब यहाँ पर ऐसा जा रहा है। तो नेक्स्ट गोला कैसा होना चाहिए, नेक्स्ट गोला कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। तो नेक्स्ट में कैसा हो जाएगा, ये ऐसे करके इस तरह का हो जाएगा। क्या ऐसा कोई उत्तर है इसमें, तो देख लेंगे। हाँ भाई ऐसा उत्तर है यहाँ पर, यानी कि हमारा ए उत्तर यहाँ पर सही हो गया है।
अब हम दूसरी समस्या को दे लेंगे। आपका ये कंप्लीट हो गया है ना, सिर्फ एरो इसमें चेंज हुआ है। फिर इसके बाद में चौथी समस्या आकृति को लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक ही इस तरह का चतुर्भुज वाला ब्लॉक बना है। इसमें तीन पॉइंट्स दिए हैं, एक ब्लैक पूरा डार्क ब्लैक है, लेकिन यहाँ पर दो होल वाला है, मतलब छेद है इसमें। तो इस तरह की या हम इसको समझ सकते हैं कि यह वन डॉट ब्लैक है और ये टू। अब इसमें क्या है, देखिए ऐसा कि ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ भी दो है, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। यहाँ पर क्या हो गया है, इनकी पोजीशन चेंज हो गई। फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो जैसा कि जैसा ये था सेम टू सेम वैसा है ना, तो फिर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब इसके जैसा ये है तो अगला नेक्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, यानी कि चौथे का आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, डी वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारी जो स्थिति बन जाएगी, देखिए सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी है ना। अब लेकिन बिंदु की पोजीशन को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो डॉट लगेगी वो पूरी ब्लैक ब्लैक होगी, और यहाँ पे थोड़ी सी होल वाली हो जाएगी, यानी कि ऐसी गोला गोल रहेगा छेद वाला है ना, लेकिन ये कैसी हो जाएगी, इस तरह की। तो ये वाली रचना कहाँ पर मिल रही है हमको, डी वाली पोजीशन पे मिल रही है। अब नेक्स्ट समस्या आकृति पे आते हैं, ये तो बहुत ही सरल आकृति है ना। देखो आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं करने में, बहुत सरल है, बहुत आसान है, बस एक बार हम उसको समझ ले है ना, आप लोगों को सबको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये तो और भी सरल आ गई है, कैसे सरल आ गई है, यहां पर देखिए एक सिंपल सी ईंट समझ लो इसको, ईंट या कुछ रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर इन्होंने एक और रख दी है, लेकिन ये कैसी रखी, उससे छोटी रखी है। तीसरी वाले पॉइंट में देखिए तो नीचे भी एक इन्होंने लगा दी है, सेम टू सेम जैसी ऊपर है वैसी नीचे। अब नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ भाई, यहाँ तो उत्तर भी आपको, उत्तर आकृतियां भी दे रखी है। अब क्या होगा इसमें, इसमें अब जैसे यहाँ पर था कितना था, यहाँ पर वन था, यहाँ पे कितना है वन, यहाँ पे कितना है टू, यहाँ पे कितना है थ्री, तो नेक्स्ट में कितना हो जाना चाहिए, फोर है ना। तो हम सेम टू सेम ऐसे बना लो, बना के देखो। देखो उत्तर आकृतियां यदि ना भी दी हो ना, तब भी हम आंसर को लिख सकते हैं। ये देखिए ये बन गया। अब एक और ऊपर बना दो, तो संख्या कितनी हो गई, चार, यानी कि हमारे ये जो ईंटें रखी थी, देखिए यहाँ पे ये ठीक से चल नहीं रहा है, तो ये जो ईंटें रखी हैं है ना, आप लोग समझ ही गए उसको, यानी कि उत्तर कौन सा हो गया, यहाँ पर ये वाला ए वाला सही हो गया है ना। इसमें क्या हो रहा है, देखिए गिनते भी ना अपन, तो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ठीक ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये छोटे होते जा रहे हैं, तो हमारा ये उत्तर सही हो गया है। अब ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये वाला क्यों नहीं हो सकता है, क्यों, देखो ना यहाँ पर ऊपर की तरफ तो छोटा है ही नहीं, यहाँ पर तो ये इस तरह से नीचे गिरते हुए छोटे छोटे हो रहे, यहाँ भी उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, बीच में बड़ा है और ऊपर नीचे छोटा है, तो हमारा उत्तर ए वाला ही सही होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न में दो समस्या आकृति के सेट दिए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, पहली दो समस्या आकृतियों में परस्पर संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी एक संबंध होना चाहिए। यहां पर क्या बता रहे हैं ये, कि दो दो आकृतियों में संबंध है ना, इन दो दो आकृतियों में संबंध है, तो यहां पर अगली वाली जो आकृति है उसमें भी इसका संबंध होना चाहिए। तो बहुत ही सरल है, इन दोनों की जो दोस्ती है वही इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो हमारा ये बॉक्स बना है, इसके अंदर एक और हमारा क्या बोलते हैं इसको, वर्ग, स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर चार स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर इस एक स्क्वायर के अंदर क्या है, ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई है। जब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए भाई यहाँ तो पूरी लाइन से भरा हुआ है। अब क्या होगा, इधर वाला देखते हैं तो इसमें यहाँ पे, तो अब हमारा नेक्स्ट कैसा आना चाहिए, सेम टू सेम ऐसा आना चाहिए, लेकिन किस चीज का ध्यान रखना है कि इस वो तो हम समझ गए कि भाई ऐसे कि ऐसा ही आना चाहिए, लेकिन इस पोजीशन का ध्यान रखना है, चूंकि यहाँ पर फिलअप किया हुआ है और यहाँ पर खाली है, तो
तो यहां फिल अप है, तो नेक्स्ट में क्या हो जाना चाहिए, यहां पर खाली हो जाना चाहिए। यानी कि अब हमारा उत्तर इनमें से कौन सा होगा, इनमें से हमारा उत्तर होगा ए वाला सही, है ना। देखिए बना के भी देख लो इसको, ये लाइंस जो है ना प्रॉपर आती नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं इनको बनाने की। ठीक, कैसे, ये वाला फिलअप था तो यहाँ वाला खाली था, क्योंकि ये वाला फिलअप है तो यहाँ वाला खाली होगा, इसलिए इन सब को क्या कर दो, लाइनें खींच दो। हो गया ना, आ गया। ओके, अब अवन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर के। बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन देखने पे ऐसा लग रहा है कि भैया कोई एलियन खड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इस एलियन को हम देखते हैं, एक स्क्वायर है, इस पे ये दो इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, और ऐसा कि ऐसा सेम ये है। अब ये है तो इसके जैसा भी सेम टू सेम यहाँ होना चाहिए, तो बस बना के देख लो या इसी में से देख लो। बनाने में समय लगता है, जब आपको समय बचाना होगा तो अगर आपको डायरेक्ट आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक लाइन जा रही है, तो बस इसके अंदर क्या बना दीजिए आप, एक लाइन, तो नेक्स्ट में यही आ जाएगा। अब आप देखिए लाइन किस में बन रही है, यहाँ पर इसमें लाइन किस में बन रही है बेटा, इसमें बन रही है सी पर, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऐसा कि ऐसा बनाना है, तो उत्तर सी हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट में देखेंगे, ये तो बहुत सरल है, सभी बहुत सरल है। देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल त्रिभुज बना है जो बीच में से कट है। अब इन्होंने क्या किया, त्रिभुज को उल्टा कर दिया, और फिर कटिंग तो है ना सेम सेम, यहाँ पर बस ऐसे ही हमको यहाँ पे करना है, क्या करना है इसको उल्टा कर देना। कैसे उल्टा करेंगे, देखिए इसको ऐसे उल्टा कर देंगे कि मोटा वाला पोर्शन ऊपर और छोटा वाला पोर्शन नीचे, तो बस ऐसी आकृति किसमें नजर आ रही, ऐसी आकृति हमें बी में नजर आ रही, हमारा उत्तर हो गया बी। अब नेक्स्ट वाला देखें, समस्या आकृति, यहाँ पर जैसे ये दो, ये सी शेप्ड है ना, इस तरह बीच में कटे हुए हैं, तो यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए है तो सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पर इसका ये ऊपर की तरफ थे, लेकिन यहाँ ये साइड की तरफ हो गए, तो अब बस सिंपल सा और इसके बीच में आपको क्या करना है, कट कर देना है ये, तो ऐसी स्थिति किस में बन रही है हमारी, डी में बन रही, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर और भी देखते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, बस ये आपका एक स्क्वायर सेट होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह का आपका कंपॉक्स में एक बना होता है, बस वही यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उसकी यहाँ पर देखिए सिंपल सी स्टेज है, और यहाँ पर वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, जैसे हमने उसको पलट दिया, तो बस यहाँ भी वही चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ऐसा जैसा ये सेम टू सेम है, तो इसमें भी ये सेम टू सेम आ जाना चाहिए, तो हम इसको भी सेम टू सेम बना देते हैं। तो ऐसी ऐसी कंडीशन कहाँ पर आ रही है, ऐसी कंडीशन जो हो रही है हमारी ए में आ रही है, तो हमारा उत्तर हो गया ए। अब इसका खंड तीसरा देखते हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक ज्यामिति का आकार, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, है ना। त्रिभुज तो आप समझते हैं ना किसे बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था ये त्रिभुज हो जाता है इस तरह की स्ट्रक्चर, अगर गोल होता है तो वृत्त कहलाते हैं, और यदि स्क्वायर होता है तो ये चौखुट्टा जो होता है ना चौखाने वाला, वो वर्ग कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, अब इन स्ट्रक्चर्स को लेकर इनमें से क्या फिट बैठता है। आप लोग जब छोटे होंगे ना तो आप ब्लॉक बनाने का गेम खेलते होंगे, जैसे घर बनाना है तो एक में एक को फिक्स नहीं करते थे कि ये ऐसे 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 एक के ऊपर एक फिक्स हो जाएगा और एक घर बन जाएगा, या फिर हम कुछ जमाने वाला, जैसे नक्शा जमाने वाला गेम भी खेलते हैं, अलग अलग पार्ट में टुकड़ों में आता है और उसको जमा के हम भारत का नक्शा या विश्व का नक्शा बना सकते हैं, तो बस उसी पैटर्न को यहाँ अप्लाई करना है। आपको सब आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है ये। अब देखिए यहाँ पर हमको यदि इस व्रत को पूरा करना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो इसको गोला कर देना पड़ेगा, ये कर दिया हमने गोला, ठीक। अब ये जो गोला कर दिया है हमने इसको, तो हमको ऐसा शेप कहाँ मिल रहा है, देखिए इनमें से किसमें ऐसा शेप आ रहा है, तो ये शेप आ रहा है यहाँ पर, तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, डी में सेम ऐसा शेप आ रहा है। अब देखिए ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें हमको इनमें से कौन सी आकृति सेट होगी, तो यहाँ पे हमको इसको ऐसे करके देख लेना है,
थोड़ा सा वो हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए इसको हम फिर से करते हैं, ये सीधा लेना है आपको, सीधा लेना है। तो अब आप ऐसे करके, मैं इसको पूरा वो कर देती हूँ तो आपको समझ में आए। तो ऐसी आकृति हमको इनमें से कहाँ पर मिल रही है ये देखना है। तो ऐसी आकृति हमको यहाँ पर बी में मिल रही है, तो हमारा ये वाला फिलअप हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें, और ये तो बड़ा कठिन लग रहा है हमको, अरे ये क्या हो गया भाई, ऐसे ऐसे नज़ारे आ गए, ये तो सब कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इसका बहुत सरल तरीका होगा, आप इसके ऊपर एक लाइन को बना के देख लीजिए, है ना। यहाँ पर भी आपको एक लाइन को बना के देखना है, चूँकि ये स्क्वायर है। तो देखिए ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पर आ रहा है, इस तरह का कहाँ पर आ रहा है, वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जो नज़ारा हमारा आ रहा है वह डी में आ रहा है, तो हमारा आंसर डी हो गया। बस इसको खड़ा करके रख दिया है, कहीं पे आड़ा कर देंगे कहीं पे। अब जैसे इसको इस आड़ा कर दिया है यहाँ पर, यह और यहाँ खड़ा कर दिया, लेकिन फिट तो यही हो रहा है ना, इसको ब्लॉक को कंप्लीट करना है, इस नक्शे को भरना है, तो हमको जो फिट होगा उसी को तो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए ये वाला जो पोजीशन है, अब इनमें से तो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है भाई, अब क्या करेंगे। बहुत ईजी है यार, बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है, देखो इसको पूरा वृत्त बना दो आप, इसको क्या करते हैं हम पूरा वृत्त बना देते हैं। ठीक, अब ऐसी पोजीशन आपको कहाँ दिख रही है, इन सब चित्रों में ऐसी पोजीशन आपको किस में दिख रही है। तो ऐसी पोजीशन वाला जो चित्र है ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। यदि हम इसको यहाँ फिट कर देंगे ना ऐसे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट 15 नंबर वाला देखेंगे, तो बहुत सरल है भाई, इसको भी ऐसे ही करना है। हमको क्या करना है, इसको इसमें कौन सा फिट होगा, ऐसे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बस आप इसको भी क्या करके देख लो, इसको भी आप स्क्वायर बनाकर देख लो। तो यहाँ भी हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, देखिए चलिए बनाते हैं, इसका स्क्वायर बनाते हैं, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। तो ऐसी पोजीशन वाला कहाँ बन रहा है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना है आपको, जैसे ये यहाँ आया है तो ये ऐसे करके ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा इन सब में कौन सा हो रहा है जो सेम टू सेम इसके जैसे, जैसे अब यहाँ तो ये मेरी मोटी पेन है, लेकिन आपकी अगर पेंसिल से आप करोगे तो आपको आसानी से ऐसा कि ऐसा इनमें से एक चित्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 15 नंबर का आंसर आपका क्या होगा, कौन सा आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक, अब नेक्स्ट में हम चलेंगे खंड 4 नंबर पे। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी है और दाईं तरफ 4 आकृतियां दी हुई है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, एक ही दिया हुआ है और चार तरफ इसके आंसर दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको एक पहचानना है, बीच में क्या कर रखा है, एक दर्पण लगा रखा है। तो दर्पण में अब आप चेहरा देखते हैं ना, कांच में रोज देखते हैं सब, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपना चेहरा नहीं देखता होगा। अच्छे ब्यूटीफुल लगते हैं, और नहीं लगते हैं तो फिर हम कुछ कुछ लगा भी लेते हैं ब्यूटीफुल बनने के लिए, लगाते हैं ना। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारे एक मिरर दे दिया है, एक इमेज को दे दिया है, और उस मिरर में वो इमेज कैसी दिखेगी ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर मैं एक ये भी, जैसे ये हमारा एफ है, यहाँ भी एफ है, इसको यदि हम ये वाले को देखते हैं और इसको खोलते हैं तो इसकी इमेज कैसी आती है मिरर में, इस तरह की इमेज आती है ना। तो अब हमको यही समझना है, बहुत सरल है ये भी कि कैसे मिरर में इमेज बनती है। अब चूंकि ये क्या है, एफ है, एफ की पोजीशन, तो एफ कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सेम टू सेम एफ एफ ही रहेगा, क्या इसमें कोई चेंज आएगा। उल्टा होने से मतलब ये वाला उल्टा नहीं होगा, है ना, मैंने अभी आपको चित्र भी दिखाया है। तो ये जो एफ होता है ये सेम टू सेम एफ ही रहेगा, लेकिन ये इस तरह से उल्टा नजर आएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत सरल है, लेकिन कैसे ध्यान रखना है ये भी आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन तो सेम टू सेम रहेगी, है ना। जैसे ये मिरर इमेज बता रही हूँ मैं आपको, ये इस तरह से एफ है तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो एफ है यहाँ तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, एक होल है ना, यहाँ भी सेम टू सेम वो वही रहेगा, लेकिन ये वाली पोजिशन जो हो जाएगी इसकी बैक में चली जाएगी। फिर ऐसा कि ऐसा सेम इनमें भी होना है, यहाँ ट्रायंगल दे रखा है तो ट्रायंगल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रायंगल तो भाई ट्रायंगल रहेगा, इस तरह से उल्टा नहीं होगा, नीचे की ओर नहीं होता है कभी भी, मिरर इमेज इस तरह से बनती, जैसे ये है ना, इस तरह से ये इमेज बनती है। तो यहाँ पर अब मेरा हाथ उल्टा तो नहीं होगा ना,
सीधा ही रहेगा, तो यहाँ पर जो त्रिभुज है वो सीधा ही रहेगा, एफ है तो एफ सीधा रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी जो साइड की ज्यामिति होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक इस तरह का एरो है थोड़ा सा डिजाइनदार, और यहाँ पर तो जो एरो हम सिंपल से लगाते वही है, बस इनकी पोजिशन में चेंज आएगा। अब प्लस तो प्लस ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, है आप लोगों को पता है ना एम्बुलेंस पे क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं ना, एम्बुलेंस लिखा होता है और उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस के ऊपर, आप ध्यान दीजिएगा कभी भी आप एम्बुलेंस देखेंगे तो उस पर उल्टे तरह से एम्बुलेंस लिखा होता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो आगे जो गाड़ियां चलती हैं उनमें जो कांच लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, इमेज को उल्टा कर देता है। तो जब वो कांच में दिखेगा ना तो कैसे दिखेगा, एम्बुलेंस लिखा हुआ, यहाँ पर जो एम्बुलेंस के ऊपर तो उल्टा लिखा है, लेकिन कांच में उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, और व्यक्ति को दिख जाएगा भाई एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता साफ कर दो। तो यहाँ पर भी बस वही हो रहा है, एरो की पोजीशन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसमें किस में चेंज हो रही है, इसमें। तो इसका उत्तर हमारे कौन सा हो जाएगा, बी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे बुक, तो बुक लिखने में थोड़ा सा चेंज होगा, मैंने क्या बताया नीचे नहीं जाएगा, सिर्फ इनके लेटर्स चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आप इनमें से किस में चेंज हो रहा है, कौन से वाले में, बी चेंज हो रहा है, नहीं, यहाँ भी चेंज हो रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब के को भी देखना है भाई, यहाँ देखो के, ओ में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन के यहाँ तो सेम है तो ये नहीं होगा, फिर लेकिन इस वाले में हो रहा है, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक, आ गया समझ में। अब ये देखिए, ये तो गर्ल्स को बहुत मजे आएंगे ये डिजाइन बनाने में, जितनी भी गर्ल्स होती है ना उनको रंगोली में यही डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आती है। तो इसका भी मिरर इमेज यदि हम देखेंगे तो कैसी हो जाएगी, इनमें से सेम टू सेम, यहाँ पर देखिए आप, तो इनमें कौन सी ऐसी दिख रही है जो ऐसी की ही ऐसी ही हो, है ना, लेकिन इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये वाली आकृति इसके अंदर आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे एफ, एफ जैसा ही है, फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग में भी सेम टू सेम रहेगा, ये वाली स्थिति बन जाएगी और ये आंसर हमारा सही हो गया। तो आप लोगों को ये जो मैं क्वेश्चन पेपर हल करवा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर पूछ सकते हैं, और यदि मेरा ये पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। अभी मैंने पेपर आपको आधा ही सॉल्व करवाया है, क्योंकि यदि मैं एक साथ आप लोगों को बहुत सारा करवा दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मेंटल एबिलिटी का हाफ पोर्शन करवाया है, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें उस पेपर का जो हमने अभी पेपर सॉल्व किया है उसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें आगे की मेंटल एबिलिटी आपको बता दूंगी, है ना। तो आप लोग इसको देखते रहिएगा और अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा, आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस यही समझाने के साथ में मैं अपना स्टॉप लेती हूँ। ओके, बाय।